यूं ही नहीं भोले की भक्ति में अपार शक्ति होने की बात कही जाती है। वरना जरा सोचिए कि 60 साल की उम्र में ये तीन भक्त प्रत्येक सप्ताह कहलगांव से बासुकीनाथ 140 किलोमीटर की लंबी यात्रा मात्र 24 घंटे में, वो भी पैदल, कैसे तय कर लेते हैं। तो कभी सुल्तानगंज से देवघर के लिए निकल लेते हैं, जो कि 105 किलोमीटर की यात्रा है, वो भी महज 12 घंटे में पहुंच जाते हैं और बाबा को जलार्पण करते हैं। 60 साल की उम्र में जब लोगों की कमर झुकने लगती है, हड्डियां जवाब देने लगती है, तो वहीं ये तीन दोस्त इस उम्र में बाबा की भक्ति की असीम शक्ति का उदाहरण बने हुए हैं, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति और भोले बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति से ही यह संभव हो पाता है। प्लास्टिक की डिब्बी में गंगा का जल, वदन पर अधोवस्त्र और लंगोट लपेटे पहुंच जाते हैं बाबा के दरबार। भोले भंडारी बड़े भोले हैं, बस गंगा जल और भक्तों की कठिन परीक्षा देख के ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये भोले का आशीर्वाद ही है, वरना इस उम्र में इतनी कठिन यात्रा भला आम इंसान के वश की कहां। नाम हुआ भैया? शंभु प्रसाद। कितना उम्र होता होगा आपका? 58। 58 साल हो रहा है जी। आप भी डाक बम में हैं? हाँ, हम लोग रहते हैं हरे पूर्णिमा। अच्छा, हाँ। सामन में जो, अच्छा आप तीनों जाते हैं? हाँ, तीनों का दोस्ती है क्या? हाँ, नहीं हम लोग आके रखे हैं तो नहीं। अभी तीन को हम लोग हर एक सप्ताह चल, हर एक महीना चल जाते हैं। हर एक महीना, हर सोमवारी। हर सोमवार? हाँ, सावन का हर एक सोमवार। अच्छा, और हर एक महीना? नहीं, हर एक महीना। जल चढ़ाते हैं वहाँ? जल चढ़ाते। अच्छा, अभी कब आप लोग निकले थे? हम लोग निकले हैं करीब 5:30 में आज। हाँ, सुबह। हाँ। अच्छा, कालगांव से? हाँ। अच्छा, और कब तक में पहुँचिएगा वहाँ? तो कामर के साथ, नहीं तो कल धर देते। अच्छा। ना माता जी। बाबा क्या नाम हुआ? मेरा नाम है महात्मा बुद्धनाथ। अच्छा, नवरात्रा कलश बैठाते हैं सीना पर, अभी पटना को प्रोग्राम है, पटना में बैठाएंगे नवरात्रा कलश। हाँ, सीना पर। अच्छा, घर कहाँ हुआ बाबा? सुइया पहाड़ हुआ। सुइया पहाड़ घर हुआ। अच्छा, कितना उम्र होता होगा आपका? 61 साल चल रहा है। अच्छा, कब कब जाते हैं आप जल उठा के? फ्री है, फ्री है। मतलब फ्री? सोमवारी चलना है, पूर्णमासी प्रत्येक पूर्णिमा चलना है। हर एक पूर्णमासी को? मतलब महीनों में एक बार जाते ही हैं? डाक बम जाते हैं? डाक बम। अच्छा, अभी एवरेज है 12-15। तो डाक बम दौड़ते हुए पहुँचते हैं? दौड़ते हैं। इतना उम्र में बाबा दौड़ लेते हैं? 10 किलोमीटर एक बार में? चलिए मेरे साथ। अच्छा, अभी आज। अच्छा, कहाँ पे जल चढ़ाइएगा अभी? अभी तो बासुकी जाएंगे। बासुकीनाथ। हाँ। कब तक में पहुँचिएगा वहाँ? हम लोग को परसों परसों पहुँचिएगा। अच्छा, अभी कांवर के साथ हैं? हम लोग कल पहुँच जाएंगे। अच्छा, रात भर खींचेंगे ना। कहाँ से जल उठाए अभी? कहलगांव से उठाए। प्रत्येक पूर्णिमा के 12 महीने जल चढ़ाते। 12 महीना पैदल? डाक बम 5 बजे शाम के चलते हैं, सुबह में 5 बजे 12 घंटे में चढ़ाते। 60 वर्ष की उम्र में अभी भी कर रहे हैं। इस बीच का खर्चा भी तो होता होगा बीच बाद में, ये सब कहाँ से उठाते हैं? अपना मेहनत करके, हमारा खेती पदारी है। अपना खेती पदारी है? हाँ, खेती है। अच्छा, अभी कब पहुँचिएगा बाबा? अभी हम पहुँचे कावल के साथ हैं, डाक चलते तो तुरंत पहुँचा, पहुँच जाते ना। ठीक। क्या आप भी बेहतर माइलेज के साथ स्मार्ट लुक की बाइक लेना चाहते हैं? क्या आप मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ आसान किस्तों में बाइक लेना चाहते हैं? तो आपके लिए है खुशखबरी। जी हाँ, आपके शहर मागामा में खुल चुका है यामाहा का न्यू हीरा मोटर शोरूम, जहाँ आपको यामाहा की बाइक मात्र 40,000 रुपए में आसान किस्तों के साथ मिल रही है, और यामाहा की स्कूटी मात्र 30,000 रुपए में आसान किस्तों के साथ आप अपने घर ले जा सकते हैं। तो अब आपका सपना नहीं रहेगा अधूरा। आज ही पहुँचे और अपनी पसंदीदा यामाहा की बाइक्स को विजिट करें। हमारा पता है केचवा चौक, ललमटिया रोड, महागामा, हीरा मोटर्स। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।